नारायण नारायण, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें। नारायण 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 नारायण। आज से पितृ पक्ष की शुरुआत होने जा रही है। पितरों को समर्पित करते हैं एक माला। हम लोगों ने यदि याद होगा तो पितृ पक्ष में जब C19 चल रहा था तब अतिरिक्त मालाएं शुरू की थी, क्योंकि उन दिनों कोविड की वजह से जो पूजा पाठ किए जा सकते थे किए जाने चाहिए थे वो हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि व्यवस्थाएं पूरी सी नहीं थी। तो अब 15 दिन तक हम लोग 4 मालाएं अर्पित करेंगे पितरों को। और कई लोगों की मंशा रहती है गया जी जाकर श्राद्ध करने की, मंशा होने के बावजूद भी वो किसी कारणवश सामर्थ्य सहयोग न होने की वजह से जा नहीं पाते हैं। तो इन 4 मालाओं को अर्पित करके आप वो व्यवस्था कर सकते हैं। ये मान लीजिए आप, नारायण शास्त्र कहता है कि जब सामूहिक प्रार्थना उनके लिए हो रही है तो आपका गया जी का भी इसमें शामिल कर सकते हैं, शामिल हो जाता है, काउंट हो जाता है पर गया जी जाना। तो पूरे भाव के साथ पितरों को याद करते हुए आंखें बंद करके इस वक्त लिखित साधना आपकी नहीं होगी, 4 माला सिर्फ समर्पित पितरों नारायण। 4 माला नियमित 15 दिन तक चलेगी, आप और लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं नारायण। और पितृ पक्ष चल रहा है इसलिए 15 दिनों की विशेष साधना भी रहेगी। 4 मालाएं हम करेंगे। शास्त्र ऐसा कहता है कि पितृ दिवस में जो पितरों के दिन होते हैं उनमें पितृ देवता इर्द गिर्द विचरण करते हैं, ब्रह्मांड से आकर स्वर्ग से आकर, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए हम लोग ब्राह्मणों को जिमाते हैं, खाना खिलाते हैं उनके नाम से। नारायण शास्त्र कहता है कि अति सर्वोत्तम दिन कहलाते हैं, सर्वश्रेष्ठ दिन कहलाते हैं ये 15 दिन जो पितृ पक्ष के होते हैं। भगवान तो हर समय हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, पत्ते पत्ते में मौजूद है, और इन दिनों विशेषकर पितृ पक्ष में हमारे पूर्वज भी हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। तो आप ये जो साधना हम जो करने जा रहे हैं 15 दिन के लिए, 4 मालाओं की साधना रहेगी। इन साधना में आप जो भी कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, विवाह योग्य बच्चे हैं उनकी शादियां चाहते हैं, हम पितरों से निवेदन करेंगे। देवताओं से तो निवेदन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम पितरों से भी निवेदन करेंगे। प्रचुर मात्रा में धन की आवश्यकता है, या कोई तन अस्वस्थ है, किसी का इलाज चल रहा है, आप उन्हें शामिल कर सकते हैं। कोई भी एक कार्य को आपको शामिल करना है, लंबी लिस्ट आप नहीं बनाएंगे, कोई भी एक कार्य जिसके लिए आप चाहते हैं वो आपका सिद्ध हो जाए। किसी की आदतें, किसी का स्वभाव, किसी का कैरेक्टर आपको ठीक करना है, किसी के आपसे संबंध आपको सही करने हैं, आप उन्हें शामिल करके ये साधना कर सकते हैं। ध्यान रहे 15 दिन तक यदि आप कोई साधना हाथ में लेते हैं उन्हें किसी को समर्पित करने के लिए, तो वही एक व्यक्ति के लिए साधना चलेगी। और ये भी संभव है कि उस दौरान उनका कार्य हो जाए तो आप उसके बाद आप पितरों का धन्यवाद करते हुए माला करेंगे, पर एक ही कार्य के लिए आप उनसे निवेदन करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। साथ ही साथ यदि आपके नियर डियर को किसी को अपनी विश पूरी करवानी है तो उन्हें खुद को बैठना होगा इन साधनाओं में। आज सपोज वो नहीं बैठ पाए हैं, पता नहीं था, कल से ज्वाइन कर लीजिए, 2 दिन बाद ज्वाइन कर लीजिए, पर उनकी जो प्राथमिक विश है उसके लिए आप प्रार्थना नहीं करेंगे, वो प्रार्थना खुद करेंगे नारायण। यदि पहले से आपकी प्रार्थना उनके लिए जारी है और आप समर्पित करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक ही विश रहेगी और की आप जोड़िए नहीं। धन्यवाद धन्यवाद।